हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो। पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी के राज्य के श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विशेष रस से रुखे हैं, अर्थात उनमें विषाक्ति नहीं है, ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा ये वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहेंगे। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न चलेगा लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसमें प्रकट में कहकर जना लो कि मैंने जिंदगी की। राम श्री का पुत्र क्या वन के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके खुद की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर। देख तो सही इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई रेखाई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। पारु बज मन हरण भव भय कारुम, नव कांज लोचन कांज मुख पर कांज पद कंजारुम। कंधर पयगर अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानव करित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। Thank you.
Thank you.
जय।